फ्रेंड्स ये देखिए, ये हैं अरबी के पत्ते, मैं काट रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊँ के ना बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ, कुछ अलग कर रही हूँ। और ये हैं, आप बताना ये किस चीज़ के पत्ते हैं। ये हैं हल्दी के पत्ते, ये देखिए। और ये हैं हल्दी के पत्ते, और ये जो पत्ते हैं इनको कौन पहचानता है, ये है करेले के पत्ते। और अरबी के पत्ते, हल्दी के पत्ते और करेले के पत्ते, आज मैं इनसे बनाऊंगी अपनी कुछ बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये दो छोटे छोटे थे वैसे, मेरे पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं थे, क्योंकि गमले में ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, जितना ये है ना इतने बड़े हो जाते हैं। ये ऐसे थे, सिर्फ 5 पत्ते मिले थे मुझे अरबी के, और हल्दी के तो काफ़ी लगे थे। हल्दी को मैं पहले भी बना चुकी हूँ, हल्दी की सब्ज़ी, और करेले की पत्तों की सब्ज़ी मैं पहले भी बना चुकी हूँ। और ये तो हम बनाते ही बनाते हैं, ये मिक्स करके मैं बना रही थी, पहले भी बनाए मैंने, इसमें अरबी के पत्ते भी मिक्स करेंगे। और आज हम इनके बनाएंगे पतीड़ बनाएंगे, ये हल्दी अरबी और करेले के पत्ते मिक्स करके। तो बने रहें आप मेरे साथ, मैं कैसे कैसे करती हूँ, एंड आई एम श्योर आपने ये रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अरबी के पत्ते और केले के पत्ते और 4-5 पत्ते मैंने इसमें करेले के भी डाले हैं, अरबी के पत्ते, हल्दी के पत्ते और करेले के पत्ते। ये मैंने करेले के पत्ते मैंने थोड़े ही डाले हैं, क्योंकि वो फिर वो कड़वापन आता है, उनसे भी ये रेसिपी हमारी कड़वी हो जाएगी, उनकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी अलग से। ये मैंने लिया है बेसन, और बेसन के अलावा हमें चाहे ये हमारे बेसिक मसाले जो डेली के मसाले होते हैं हम यूज़ करते हैं वही वाले, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें डाल लेंगे अपने ये मसाले डेली वाले, ठीक है। ट्राइपॉड थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये है अजवाइन के पत्ते, और ये है नियाज़बो के पत्ते, और ये है हमारा पुदीना, ये भी हम डाल देंगे इसमें काट करके, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका, पुदीने के पत्ते और अजवाइन के पत्तों से। देखिए इनको हम कट कर लेंगे, मेरे पास ना थोड़े ही थे पत्ते, 5 पत्ते निकले सिर्फ। मैं पहले देख रही थी, मैं क्या चलो कोई आ जाए तो और ले लेते हैं, तो कोई भी नहीं आया, फिर मैंने बोला चलो बना ही लेते हैं इतने का ही। आप बताना कौन कौन ऐसे बनाता है जुगाड़ करके। मेरा बड़ा मन कर रहा था खाने का, तो मैंने बोला चलो आज जुगाड़ कर लेते हैं। ये मैं कोली भर के लाई हूँ पत्तों की, तो ये रख देते हैं, शाम तक मेरे चलते रहेंगे। इसमें हम डाल लेंगे नमक आवश्यकतानुसार, और ये है हमारी हल्दी, यहाँ एक मूली लटक रही थी, ये है मिर्च मैं थोड़ी डालूंगी, क्योंकि मुझे मिर्च बंद है खाना, मिर्च मुझे मना की है डॉक्टर ने। तो ये है हमारा बेसन जो हमारा मेन है इसका, ये मैं जैसे बनाऊंगी ना आप भी बना करके देखना, बहुत ही इजी है, क्योंकि तो मुझे वो जो पत्तों पे लपेट के बनाते हैं ना बेसन लगा के, मुझे वो नहीं आता बनाना, बना भी लेती हूँ लेकिन उससे ना मेरे क्या है कि मेरे हाथ मुंह सब गंदा हो जाता है। तो ये देखिए ऐसे बना लेना, चले हम इनको सारे जो हमारा है ना मटेरियल, इसको हमने ऐसे कर लेना है। अच्छा
अच्छा सा इसको डो जैसे तैयार कर लेना, जैसे हम करते ही हैं बेसन से। गैस के ऊपर रखना थाली तो बड़ी आवाज आ रही है। बाहर से खिड़की की रोशनी पड़ रही है, अगर खिड़की को हटाते हैं तो वो काला काला सा नजर आ रहा है। देखिए ऐसे बना लेना हमें ऐसे रोल। ये देखिए बहुत अच्छे बन जाते हैं ऐसे, आप भी बना करके देखें। अब हम रख लेंगे पानी स्टीम के लिए। ऐसे ना इजीली बन जाते हैं, मुझे ये वाले आसान लगते हैं बनाने, दूसरे वाले मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। मेरे पीछे ये देखो, ये कुछ भी नज़र नहीं आ, अब आया चलो खेल खेलते हैं। कौन आया? सूरज की रोशनी आई। यहाँ मैंने इसमें पानी डाल लिया, ये देखिए पानी डाल लिया इसमें। और इसमें हम रखेंगे ये स्टैंड, ये हमने स्टैंड रख दिया इसमें। और देख लेते हैं, अगर यही वाली प्लेट आ गई ना, तो यही वाली प्लेट आ गई भाई मेरी, तो इसी वाली प्लेट में हमने बना लेनी है ये। इनको थोड़ी दूरी दूरी पे रख देते हैं और ये बन जाएंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे, किससे कवर करें इसको? एक मेरे पास खाली है, खाली थी मेरे पास। चलो देखते हैं खाली कहाँ है। तो थाली मिल चुकी है, ये रही थाली। तो इसको हम ये देखें, ये मैंने ऐसे रख दिया है, ये देखिए। तो थाली से हम ना इसको ऐसे कवर कर देंगे, ये देखिए हो गया ना कवर, हो गया ना। तो ऐसे कवर हो जाना, तो ये स्टीम में पक जाए। और ये है हमारे बाबा जी का रोट मैंने बनाया था, तो आप भी खा लीजिए। बाबा जी का रोट प्रसाद मैंने रोट बनाया था जेठाई द्वार तो नहीं था लेकिन बनाया था। तो ये हमारी स्टीम में बन जाएगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसी है। देख लेते हैं हमारे ये बने के नहीं बने, इनको उठाना थोड़ा मुश्किल है। इनको हम चेक कर लेंगे, किससे करें चेक? मेरे पास चाकू एकदम क्लीन आया है, तो ये अच्छे से पक गए हैं। और दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, दूसरा भी पक गया है। तो रेसिपी मेरी बनके रेडी है, अब इसको हम लगाएंगे तड़का।
यानी फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने पतीर बनाए थे उनको मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूँ तवे के ऊपर। आप चाहें तो सरसों के तेल में बना सकते हैं और रिफाइंड में बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं जिसमें आपको पसंद हो। मैं भी इनको हम फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए किसी को भी। ये मैंने काट लिए। फ्रेंड्स, खांसी हो गई है बड़ी ज़बरदस्त सी। ये देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे पीस बने हैं, ये गोल में बने हैं। इनको हम इस तरह से फ्राई के लिए रख देते हैं। ऐसे ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने बताया कि मैंने 4-5 पत्ते तो थे सारे मेरे पास, ज़्यादा नहीं थे, 5 पत्ते थे। इस तरह से ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। मुझे सर्दी जुकाम भी हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ हुई थी बारिश, तो इनको हम मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम कम कर देते हैं, कम। अब हम इनको कर देते हैं टॉस। एक तरफ से पक गए हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ऐसे बनाएंगे ना बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे पकोड़े खा रहे हो इसके। हमारे ये ना पंजाब में स्पेशल मिलते हैं इस तरह के, जैसे बनाते हैं बेसन लगा के उनमें लपेट लपेट के, वो भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे वाले ना हमारे यहाँ स्पेशल मिलते हैं। ये कहाँ चला गया तू, इधर आ जा, घूमने की बड़ी पड़ी है तेरे को, हैं चल। तो ऐसे वाले हमारे यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं और छोटा सा इतू सा पीस ना 5 रुपए का मिलता है। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से हो रहे हैं, पक रहे हैं, बस इनको पकने देंगे मीडियम आंच पर। तो दोबारा से इनको टॉस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाएं। इस तरह से हमें इनको टॉस कर देना दोबारा से। ये देखिए कोई बाहर आया है, पता नहीं हस्बैंड आए होंगे, वो गए थे चक्की पे। मैंने उनको कहा था मक्की का आटा पूछ के आना क्योंकि थोड़े दिनों में श्राद्ध आ जाएंगे ना, फिर माथा टेक लेंगे, फिर नहीं तो श्राद्ध के बाद ही खाने को मिलेगा। कभी कभी मन करता है मक्की की रोटी खाने को, कभी कभी क्या, मुझे तो बहुत पसंद है बट मैं शुगर की वजह से कम खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है मक्की की रोटी, पर डायबिटीज़ की वजह से मैं कंट्रोल करती हूँ। और हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, वो तो हिमाचल से है, वो तो खाते ही हैं।
हम लोग नहीं खाते, बस ये पकने ही वाले हैं। आप भी बनाया करो ऐसे जैसे मैंने बनाए हैं। तो ये देखिए हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आपको दिख ही रहा होगा। और ये बहुत ही क्रंची भी बने और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। थंबनेल के लिए मैंने फोटो भी निकाल ली है। तो देखिए बहुत टेस्टी बने हैं ऐसे वाले, आप भी बनाएं। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, जिन लोगों को उसे लपेट लपेट के नहीं आते ना बनाने, वो लोग बना सकते हैं। तो चलो फिर ठीक है, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड लव यू, बाय बाय।